Hello, what's up everyone? Welcome to Great SG YouTube channel. And today in this video, we are going to talk about our public SMP. ठीक है ना गाइस, सो आपको तो पता ही है हम लोग अभी अपना एक पब्लिक SMP बनवाने वाले हैं जिसमें आप लोग फ्री के खेल सकते हो। सो गाइस 9th अगस्त में ही हमारा जो पब्लिक SMP है वो लॉन्च होने वाला है, सो बी रेडी एवरीवन। 9th अगस्त को हमारा पब्लिक SMP लॉन्च होने वाला है, ठीक है ना। सो डिस्क्रिप्शन में मैं मेरे और प्रज्ञान के चैनल का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग जो है डिटेल्स पढ़ सकते हो, ठीक है ना, अपने हमारे पब्लिक SMP का। और आज की इस वाली वीडियो का टॉपिक तो ये नहीं है, आज की इस वाली वीडियो में टॉपिक में मैं आपको बताने वाला हूँ हमारे पब्लिक SMP के कुछ रूल्स, ठीक है ना। अगर आप ये रूल्स को अच्छे से फॉलो करते हो सो आप डेफिनेटली आप पब्लिक SMP में बहुत ही अच्छे से खेल पाओगे, ठीक है ना। बस आपको ये थोड़ा बहुत रूल्स को जो अच्छे से समझना है, ठीक है ना। सो ये जो रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये रूल्स आपको मेंटेन करनी पड़ेगी हमारी पब्लिक SMP में। ज़्यादा रूल्स नहीं है, बस थोड़े बहुत ही रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, बट हाँ आपको करने पड़ेंगे। अगर आप नहीं करते हो फिर तो भाई वो तो वो हो जाएगा एक टाइप से, रूल्स फॉलो नहीं करोगे तो पब्लिक SMP से भाई बाहर निकाल दिया जाएगा, ऐसा ही हम प्लान है। सो रूल्स के बिना ज्वाइन मत करना, पहले रूल्स को देखो, ठीक है ना। इस वीडियो को देखो, यहाँ पे मैं तुमको रूल्स बतवाने वाला हूँ, ठीक है ना। सो अभी रूल नंबर 1 के बारे में बात करते हैं। रूल नंबर का 1 है कि किसी के साथ ऐसे ही फाइट मत करना विदाउट एनी रीज़न, ठीक है। अगर तुमको कोई बंदा मारता है या फिर वो करता है सो हमारे पब्लिक SMP में रहेगा पुलिस स्टेशन, वहाँ पे जाके तुम लोग FIR भी कर सकते हो आप दूसरे प्लेयर्स के अगेंस्ट, उस प्लेयर्स के अगेंस्ट जो तुमको बेमतलब में मार रहा है। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा किसी को बेमतलब में मत मारो, या फिर मतलब कि लड़ो ही मत, बिकॉज वो अगर लड़ोगे सो फिर ज़्यादा ही झगड़ा झगड़ी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा, जो कि हम लोग चाहते नहीं हैं, ठीक है ना। सो बिना सोचे समझे बिल्कुल भी फाइट मत करना। अगर तुमको कोई बंदा परेशान कर रहा है सो हमारे पब्लिक SMP में रहेगा पुलिस स्टेशन, वहाँ पे जाके FIR कर सकते हो, जो भी तुमको करना है वो कर सकते हो, ठीक है ना। सो ये तो था रूल नंबर 1 कि फाइट मत करना, डोंट फाइट विथ ईच अदर विदाउट एनी रीज़न, ठीक है ना। अगर आपके पास रीज़न हुआ तो पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करना, बट लड़ना मत, लड़ना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। चाहे तुम सच हो, चाहे तुम ऐसे ही सच हो, चाहे तुम झूठ हो, लड़ना तुमको नहीं है। तुम पुलिस स्टेशन में आके कंप्लेन कर दो, हो जाएगा। पुलिस स्टेशन मतलब रियल वाली पुलिस स्टेशन नहीं, हमारी पब्लिक SMP में एक पुलिस स्टेशन होगी, ठीक है ना। वहाँ पे आके तुम FIR कर सकते हो कि तुमको कोई बंदा परेशान कर रहा है, बट हाँ फाइट बिल्कुल भी नहीं करने वाला, फाइट बिल्कुल भी मत करना पब्लिक SMP में। एंड अभी बढ़ते हैं रूल नंबर 2, डोंट यूज एब्यूसिव वर्ड्स इन माइनक्राफ्ट चैट। एब्यूसिव वर्ड्स मतलब है गाली, ठीक है ना। सो हमारे पब्लिक SMP में गाली देना इज नॉट अलाउड, क्योंकि गाली एक बहुत ही बैड लैंग्वेज है। सो हम नहीं चाहते कि हमारे SMP में ऐसे कोई बैड लैंग्वेज यूज़ करे, फिर SMP का नाम ख़राब हो, ये हम लोग तो नहीं चाहते, ठीक है ना। सो डोंट यूज़ एनी एब्यूसिव वर्ड्स इन माइनक्राफ्ट चैट, ये फिर एक बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा, मगजमारी हो जाएगी, बहुत लड़ाई हो जाएगा, ठीक है ना। सो रूल नंबर 2 है डोंट यूज़ एब्यूसिव वर्ड। अगर तुमको कोई बंदा परेशान कर रहा है फिर वो करना, पुलिस स्टेशन में आके कंप्लेन कर देना हमारे जो पब्लिक SMP है, या फिर हमको डायरेक्ट DM से कंप्लेन कर देना, ठीक है ना। बट हाँ गाली फाली कुछ भी नहीं चलना चाहिए, ठीक है ना। अभी बढ़ते हैं रूल नंबर 3, डोंट ब्रेक एनीवनस हाउस, किसी का घर मत तोड़ना, बिकॉज उससे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। जिसकी घर आप तोड़ोगे उसकी बहुत ज़्यादा बुरा लगेगी, बिकॉज वो एक मेहनत सी चीज़ होती है, घर बनाना रहने के लिए एक बहुत ज़्यादा मेहनत करके बनाती है। सो आपका एक रिक्वेस्ट करना, अगर आपके बीच उनके बीच कोई फाइट वगैरह या फिर झगड़ा वगैरह होता है सो प्लीज़ किसी के घर को मत तोड़ना, फिर भाई वो एक अलग ही सीन हो जाएगा, फिर किसी का घर मत तोड़ना। एंड अभी बढ़ते हैं रूल नंबर 4 की, एंडर ड्रैगन को मत मारना,
बिकॉज गाइज एंडर ड्रैगन आप अगर एक बंदा मारेगा तो भाई हज़ार बंदे बोलेंगे मैं मारूंगा, जिससे कि मेरे को बार बार रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा एंडर ड्रैगन। सो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एंडर ड्रैगन मत मारना, वो अगर आप मार दोगे तो भाई SMP से सीधा का सीधा बाहर, ठीक है ना। तो प्लीज़ बोल रहा हूँ, जो भी रूल मैं बोल रहा हूँ प्लीज़ फॉलो करना, अगर आप नहीं करोगे तो भाई पता ही तो है आपको क्या होगा, ठीक है ना। सो एंडर ड्रैगन को भी मारना अलाउड नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। सो एंडर ड्रैगन को बिल्कुल भी मत मारना, एंडर ड्रैगन भी भाई एक पब्लिक असेंबली में, एंडर ड्रैगन को मत मारना। एंड हाँ गाइस, एक और रूल्स है कि तुमको अपना बेस कहाँ पे बनाना पड़ेगा। बेस तुमको बनाना पड़ेगा 250 ब्लॉक्स फार फ्रॉम मेन एरिया ऑफ पब्लिक असेंबली, मतलब कि जो हमारा मेन एरिया रहेगा ना पब्लिक असेंबली का, वहाँ से तुमको 250 ब्लॉक्स दूर बनाना है अपने बेस को। और हाँ, मैं आपको रिकमेंड करूँगा बेस में हाई सिक्योरिटी लगाओ, बिकॉज जिसकी बेस सबसे ज़्यादा अच्छी होगी हम लोग उनके लिए एक अवार्ड भी देंगे, उन लोगों को बहुत ज़्यादा गिफ्ट वगैरह देंगे, ठीक है ना। सो हम लोग एक चैलेंज भी रख रहे हैं, ठीक है ना। सो बेस को भी अच्छे से सिक्योरिटी टाइट बनाना, बहुत ज़्यादा अच्छा बनाना, ताकि भाई चोरी ना हो। और हर मैं अगर बोलता हूँ कि एंड में जाना भी अलाउड नहीं है, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग होल्ड से आप एंड में भी नहीं जा सकते, हम लोग तोड़ देंगे स्ट्रॉन्ग होल्ड को कुछ ही दिनों में ही। बट हाँ, ये एक है, आपको कभी भी जाना नहीं पड़ेगा, कभी मत जाना स्ट्रॉन्ग होल्ड में, वो भी एक अलग ही सीन हो जाएगा। फिर एंड में तो जाना ही मत, मैं इतना तो बोल सकता हूँ। एंडर ड्रैगन में तो एंड में ही होती है, बट एंड में जाना तुमको अलाउड भी नहीं है। अभी आप सोच रहे हो कि भाई इलाइट्रा फिर कैसे मिलेगा हम लोगों को, सो डोंट वरी, मैं तुमको दूंगा इलाइट्रा, ठीक है ना। तुमको अगर इलाइट्रा चाहिए तो मेरे से मांग लेना, बट हाँ वो अभी नहीं, बाद में देंगे तुमको, ठीक है ना। जब 2 महीने बाद तुमको इलाइट्रा अगर मांगते हो तो तुमको इलाइट्रा देंगे, ठीक है ना। एंड में भी मत जाना। सो आज मैं आपको थोड़े बहुत रूल्स बता दिया, आगे जाके भी हम लोग बहुत सारे रूल्स बनवाएंगे, ठीक है ना। सो ये जो मैं रूल्स बता दिया इसको अच्छे से फॉलो करना। सो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगर आपको ये वाली वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ फटाफट से लाइक कर देना, चैनल पर नहीं होता बोले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन भी दबा देना, ठीक है ना। सो गुड बाय।